मून नाइट के अब तक 3 एपिसोड आ चुके हैं। इसका फर्स्ट एपिसोड मुझे काफी ज्यादा धमाकेदार लगा था। रीजन ये क्योंकि इसका काफी टाइम से इसका वेट चल रहा था, साथ ही साथ जैसे इसका ट्रेलर देखने को मिला था तो लगा था यार इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। लेकिन इसके सेकंड और थर्ड एपिसोड की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट एपिसोड के। देखो सेकंड एपिसोड में इतना कुछ खास नहीं है, हाँ थर्ड एपिसोड में कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, पावरफुल चीजें आ जाती हैं, वहां पर पावर का यूज किया जाता है, बहुत अच्छा जाता है। लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं तो देखकर लगता है कि यार ये है ही क्यों। फॉर एग्जाम्पल, एक बुरा व्यक्ति है, वो बुरा काम करने जा रहा है और एक देवता का अवतार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रुक नहीं रहा। तो वो देवता क्या करता है, देवताओं की मीटिंग बुला लेता है कि हाँ भाई अब इसको जैसे तैसे रोका जाए जो बुरा आदमी है, और बुरे आदमी को उस मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है कि आओ भैया अपनी सफाई दो कि भाई तुम ये बुरा काम क्यों कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सारी बातें वहां पर उस मीटिंग में उसको रखनी होती हैं। और जब वो बुरा आदमी मीटिंग में आता है तो देवता पूछते हैं, हाँ भाई बुरे आदमी तुमने बुरा काम किया या नहीं किया, या करने जा रहे हो या नहीं करने जा रहे हो। तो बुरा आदमी क्या कहेगा, अरे नहीं मैं तो नहीं करने जा रहा हूं। अबे यार वो क्यों बोलेगा, सच सोच कर देखो यार, तुम देवता हो, कम से कम अपनी पावर का यूज करके देख लो ना यार वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये थोड़ी चीजें मुझे अजीब सी लगी। फिर जहां पर मून नाइट जो एक यहां पर मेन कैरेक्टर है जिसके पास काफी सारी पावर्स है, जहां पर इस इंसान को यानी जो मार्क है, जो स्टीवन है, ये काफी सारे करेक्टर एक ही के अंदर है, तो जब यहां पर इसको जब बदलना होता है तब तो ये बदल नहीं रहा, मतलब अपने जो सूट है मून नाइट का वो पहन नहीं रहा। अरे वो तुम्हारे सामने सामान चोरी करने जा रहा, सामान क्या मतलब कि वो लेने आ रहा है जो उसको चाहिए, कम से कम उसे रोक तो लो। नहीं, जब वो चला जाएगा तब तुम्हें अपनी हीरोपंती वहां पे झाड़नी और वहां पे वो झाड़ी जा रही, उसका फायदा क्या है यार। नो डाउट थर्ड एपिसोड में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि वो सूरज का पूरी तरीके से ढक जाना, या फिर वो तारों का आपस में मतलब कि या कहूं मतलब जो भी था बहुत बढ़िया लगा वो देख कर मुझे। लेकिन सोच कर देखो, जो तुम ये चीजें कर रहे हो, जो ये देवता है जो ये कर रहा है, वो भाई साहब कहीं ना कहीं जो बुरा आदमी है उसको भी तो पता चल रहा है। तुम सरेआम जो सूरज को ढक रहे हो, जो चांद है वो मतलब कि जो तारे हैं उनकी जो जगह है वो बदल रहे हो, तो उन सब उसको भी पता चल रहा है ना, वो जो बुरा आदमी जिसको तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो, इवन उसको प्लान पता चल रहा है तुम्हारा, तो काहे की चीजें कर रहे हो यार ये सब चीजें, क्या जरूरत है करने की। तो यहां थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये क्यों कर रहे हो यार, क्या जरूरत थी इसके करने की। अब इतनी सारी नेगेटिव चीजें मैंने गिना दी, कुछ तो पॉजिटिव होगा। हाँ डेफिनेटली है पॉजिटिव इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो परफॉर्मेंस है ऑस्कर आइजैक सर की, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। जैसे उनके द्वारा काफी सारे करेक्टर एक ही टाइम में जो प्ले किए जाते हैं वो बहुत मजेदार है, मतलब देख कर इंटरेस्ट आता है। वीएफएक्स की बात करूं, ऑब्वियसली यहाँ पर मार्वल है तो वो वीएफएक्स में तो कमी आने ही नहीं देगा। बीजीएम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्टोरी के अंदर यार मैं कहूँगा कि यार थोड़ा बहुत मुझे बैकड्रॉप लगता है कि हमें यहाँ पर कनेक्शन टूट रहा है। देखो कनेक्शन टूटने के पीछे रीज़न मुझे ऐसे लगता है कि एक तरीके से जैसे इसके एपिसोड दिखा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, जिसके चलते जो पुराना एपिसोड था और जो नया एपिसोड आ रहा है इसके अंदर जो टाइम का गैप आए, जो कनेक्शन होना चाहिए था वो टूट जाता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब अगर ये मार्वल वाले ध्यान देते तो एक साथ सारे लगा दो तो मतलब जाते ही गहरे देख लेंगे, अच्छा भी लगेगा उसको देखकर। और फाइटिंग सीक्वेंस इसके अंदर अभी तक इतने बढ़िया आए नहीं है, मतलब कि मैं कह सकूं कि बहुत बढ़िया फाइट हुई है, बहुत छोटी मोटी फाइट हुई है, वो भी मुझे इतनी खास नहीं लगी। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, कहीं कहूँ कि यार तुझे पता नहीं है सब चीज़ें देखने का, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो आप बता सकते हो प्यार मोहब्बत से। गाली देने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर नहीं देना चाहो तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको कैसा एपिसोड लगे, मतलब तीनों एपिसोड कैसे लगे, 6 ही एपिसोड है, 3 तो आ चुके हैं, मे बी आने वाले जो 3 एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे जाएं, उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें मुझको हैं, मतलब मुझे लगता है कि यार मून नाइट काफ़ी अच्छी जाए ये सीरीज। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि आपको क्या लगा, कैसा ये देख कर लग रहा है कि कैसी जाने वाली है यार, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो प्लीज़ बताना। और जिन्होंने नहीं देखी है ऑब्वियसली आप इसको ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ना देखने वाली है, कि इसको देखकर हमें कोई मज़ा नहीं आया, मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन जितनी हम इससे उम्मीदें लगा के बैठे ना उस लेवल का मज़ा नहीं आएगा, ये मेरा ओपिनियन है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।